ब्रेकअप के बाद गांजा साइकोसिस, इसके बारे में आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ, एक केस स्टडी बताने वाला हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक युवक, उसने अभी फिलहाल मतलब रिसेंटली उसने बीकॉम किया है, ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स में करके। अच्छे लोग हैं सब, मतलब फाइनेंशियली वेल सेटल्ड। बीकॉम के इसमें एक लड़की के चक्कर में आ गया, तो काफ़ी सारा मतलब उसका मिलना जुलना, डेटिंग। लड़की अलग कास्ट की थी, लड़के ने घर में बताया नहीं, लड़के ने अपने घर में बताया नहीं। और हुआ क्या है कि उसको पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, बस इसके साथ में घूमो फिरो, चैटिंग करो, व्हाट्सएप करो, लड़की के ऊपर पैसा खर्चा करो, घर से पैसे मिलते थे। प्रॉब्लम ये हुआ कि वो सिगरेट स्मोकिंग करता था। अब सिगरेट स्मोकिंग जब करता था, कम से कम एक पैकेट रोज का, तो अर्थात जब संबंध आते हैं तो लड़की बोले कि आपके मुंह की बहुत बास आती है सिगरेट की, आप सिगरेट बंद करो। तो बोले नहीं, मैं बंद करूंगा, ऐसा वैसा बोलता था, कसम खाता था, और मत बंद नहीं करता था। तो बोले कि मैं तुमको छोड़ दूंगी, और उसने उसको छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया, और उसने जब एक दिन ये लड़की को दूसरे लड़के के साथ में देखा, तो इसका पूरा ब्रेकडाउन हो गया कि इसने सच्ची मेरे को छोड़ दिया। और उसको इतना उसका सदमा पहुंच गया कि वो तो उसका मतलब समझा नहीं कि भाई उसने शराब उस दिन पी लिया, उसने बहुत सारे सिगरेट पी लिया। बोले 7 बॉटल बियर की पी लिया उस दिन, और दूसरे दिन से उसने गांजा पीना चालू कर दिया। गांजा इतना पीता था, इतना पीना चालू किया गांजा, कि अल्टीमेटली उसको हो गया गांजा साइकोसिस, साइकोटिक। मतलब बाद में फिर बहकी बहकी बातें करना, घर में नींद नहीं लेना, फिर ऐसा लगना कि कोई लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, कोई लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, कोई लोग मेरे को मार डालेंगे, मैं गांजा पीता हूँ तो पुलिस आके पकड़ लेंगी, ऐसा। और फिर उसमें वो बोलता था कि नहीं, ये लड़की ने मेरी बदनामी किया, लड़की ने मेरी बदनामी किया कि मैं आदमी में नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, नपुंसक हूँ, मतलब मैं नपुंसक हूँ, और उसने मेरी बदनामी कर दिया, और अभी मेरा जीवन है, अब तो मैं खत्म हो जाऊँगा, अब मैं मर जाऊँगा, और मैं खुदकुशी कर लेता। अभी उसको पकड़ना और उसको बचाना वो एक प्रॉब्लम हो गया। माँ बाप ने वो लड़की को मिले, उसको बोले भाई तूने ऐसा कुछ बोला है क्या? कहने बोले मैंने ऐसा कुछ कहीं किसी के साथ में बातचीत नहीं किया कि नपुंसक है ऐसा कुछ भी। बोले तू आके उसको मिल रहे बोल रहे कि भाई बोल दे कि भाई मैंने ऐसा किसी को बोला नहीं। वो लड़की आके उसको मिली, बोली कि मैंने ऐसा किसी को बोला नहीं कि तुम नपुंसक है, मगर आप सिगरेट पीते थे बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने आपको छोड़ा था। अभी मैं दूसरे, मेरा दोस्त है उसके साथ में मैं हूँ, मगर अभी आप अपने आप को संभालो, मैंने आपको बोल के छोड़ के गई। मगर ये तो पूरा पागलपन जैसा इसको हो गया था, कंट्रोल करना कठिन। उसको हमने हॉस्पिटलाइज किया, हॉस्पिटलाइज करने के बाद उसका गांजा तो नेचुरली बंद कर दिया हमने, तभी भी साइकोटिक सिम्टम थे, एंटी साइकोटिक ड्रग्स दिए, मेडिसिन दिए उसको, धीरे 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 वो कवर होते गए। मगर कवर होने के बाद में भी उसका यह था कि उसने, वो लड़की ने मुझे फंसाया, वो लड़की ने मुझे ना बोला, लड़की ने मुझे डिच किया, अब मैं तो इसका बदला लूंगा, वो तो चालू ही था उसका। साइकोथेरेपी के लिए मैंने उसको बुलाया है, अभी आप काम चालू है, धीरे धीरे उससे भी बाहर आ जाएंगे। कहने का मतलब ऐसा है कि जो मैं काफ़ी इसके पहले भी वीडियोस दे चुका हूँ कि ब्रेकअप्स काफ़ी हो रहे, और उसमें फिर वो बच्चे जो है ना, भी वो उसको सहन नहीं कर पा रहे, उसको फेस नहीं कर पा रहे ये ब्रेकअप्स को, और फिर उसमें फिर वो कुछ ना कुछ उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। तो ये लड़कों ने या लड़कियों ने दोनों भी ख्याल रखना चाहिए कि हम इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके पहले हम कहाँ तक जाना, कौन से लेवल तक जाना, कौन से हद तक जाना, ये हमने पहले डिसाइड करना जरूरी है। क्या सिर्फ सिर्फ फ्रेंडशिप रखना है, या कुछ आगे जाके शादी करना है, मतलब करना क्या है, ये यदि पहले से क्लियर है तो फिर उसमें ज़्यादा होगा नहीं। सिर्फ फ्रेंडशिप है तो बात अलग है, मगर ऐसा होता नहीं है। आग के पास में जब घी रखा है तो वो पतला तो होने वाला ही है, इस प्रकार का है वो। तो लोगों ने केयर लेना चाहिए, और केयर लेके ही अपना काम करेंगे, अपना जीवन जिएंगे, तो पढ़ाई भी अच्छी होंगी, अपना फ्यूचर भी अच्छा बन जाएगा। ये वीडियो आप सभी दोस्तों को आपके शेयर करो, काफ़ी लोगों के प्रॉब्लम वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे और लोगों का जीवन अच्छा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।